अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गरम सब। ये नाम सुन के आप लोगों को थोड़ा अजब लग रहा रहेगा, मगर ये वाली रेसिपी मैंने नाज होटल में खाई हूँ। नाज होटल जो है वो कुजला में है। आप लोग अगर ये रेसिपी खाए रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, नहीं तो आप एक बार नाज होटल में जाना और गरम सब मंगा कर देखना और मेरी रेसिपी भी बना कर देखना, देखना क्या दोनों का टेस्ट बरोबर रहता है क्या नहीं, है ना सिर्फ। हाँ मैं काफ़ी दिनों से ये रेसिपी बनाने का सोच रही थी, मगर मुझे बनाने के लिए नहीं मिल रहा था, मगर अभी मैं मुझे जो एक सिजवन चटनी ग्रीन वाली मिल गई तो मैंने ये रेसिपी वो चटनी के अंदर ट्राई की। माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त और एकदम टेस्टी बना था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लॉलीपॉप ली हूँ, मैं लॉलीपॉप में बना रही हूँ। अगर आप चिकन के डायरेक्ट पीस में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। इसे मैंने साफ कर ली हूँ अच्छी तरह से और अच्छी तरह से इसे धो ली हूँ और इसको छन्नी में रख के इसका सारा पानी मैंने निकाल चुकी हूँ। बरोबर बोलिए आसिफ, एकदम बराबर। चलिए ये बनाना बहुत ही सिंपल है। मैंने खाली घर के मसालों से ही बनाई हूँ, जो मसाले आपको आसानी से दुकान में मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहले 1 किलो में डालेंगे हम 2 अंडे। अंडे डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 2 चम्मच भर के डालूंगी। ये छोटा वाला चम्मच है, अगर आप बड़ा चम्मच से डालेंगे तो 1 चम्मच डाल देना। बड़ा चम्मच कौन सा, जो हम चाय पत्ती में और शक्कर के डब्बे में यूज़ करते हैं। इसी में डाल दूंगी 1/2 चम्मच काली मिरी पाउडर। काली मिरी पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक आपको एक अच्छा सा फ्लेवर भी मिलेगा। तो चलिए इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं 1/4 नमक डाल रही हूँ क्योंकि हम जो इसमें सॉस यूज़ करने वाले हैं वो सॉस में भी नमक होगा। इसी के साथ मैं 1/2 इसमें नींबू का रस डालूंगी। हाथ की मदद से इसकी बीज निकाल कर फेंक दूंगी और रस को निचोड़ कर डालूंगी। नींबू मार्केट में अच्छे नहीं आ रहे, बहुत ही बेकार नींबू आ रहे, उसमें रस बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के विनेगर। बरोबर बोलिए आसिफ, एकदम बराबर। चलो विनेगर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच भर के, नहीं 1 चम्मच डालूंगी, 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी डार्क सोया सॉस, है ना। हाँ। इसमें थोड़ा कम डार्क वाला भी मिलता है और एकदम डार्क वाला भी मिलता है। आप डार्क वाला लेंगे तो भी चलेगा या कम डार्क वाला लेंगे तो भी चलेगा। इसी के साथ में मैं इसमें डाल दूंगी, देखिए अभी हम आगे क्या, अजीनोमोटो नमक। अजीनोमोटो नमक डालना ऑप्शनल है गाइस, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए अजीनोमोटो नमक। मगर चाइनीज आइटम में ये अजीनोमोटो नमक यूज होता है। ये जो मैं गरम सब बना रही हूँ ये भी कुछ चाइनीज स्टाइल में ही बना रही हूँ। जो मैंने खाई थी मुझे उसका टेस्ट जैसा लगा था वो टेस्ट के हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ। अभी सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स करके कम से कम हम 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने रखेंगे। अगर आप गर्मियों का मौसम है तो इसे फ्रिज में रख देना, अगर ठंडी का मौसम है तो आप इसे बाहर रख सकते हैं। बराबर बोलिए ना आसिफ, बराबर। चलिए अभी 1 घंटे के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच भर के मैदे का आटा और 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लैन। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एकदम अच्छे से, क्योंकि हम जब इसे तेल में फ्राई करेंगे तो इसका जो मसाला है ये छूटना नहीं चाहिए, है ना सिर्फ। हाँ। और जैसे कि गाइस अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरा अफरोज रेसिपी ब्लॉग पे मैंने अपने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी, अब मैं डेली रूटीन के बारे में बहुत सी वीडियो अपलोड करी हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने रखी हूँ। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो गैस को मीडियम कर देना और एक एक करके ये पीस इसके अंदर डाल देना। ये पीस डालने के बाद में हमें ताबड़तोड़ इसके अंदर चम्मच नहीं मारना है, कम से कम 5 मिनट बाद हम इसके अंदर चम्मच मारेंगे। बराबर बोलिए आसिफ, एकदम बराबर। चलिए अभी हम 5 मिनट बाद मैंने इसे चम्मच मारी और अलट पलट करके कम से कम मैंने इसे 10 मिनट तक का पकाई हूँ, हिलाते हुए, बीच बीच में हिलाते जा रही थी। और 10 मिनट पकाने के बाद में मैं इसे निकाल लूंगी गाइस। इसमें बहुत कम सामान जाता है मगर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये जैसा हम सिजवन चटनी लेके आते हैं मार्केट से, वैसी वाली सेम टू सेम चटनी ग्रीन में भी बनी है। तो आपको ग्रीन सिजवन चटनी मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, मैं आपको डब्बा बता दूंगी। चलिए अभी सारे चिकन लॉलीपॉप को मैंने निकाल के फ्राई करके रख दी हूँ। अभी इसमें रखी हूँ 3 चम्मच ऑयल। इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच बारीक चॉप की और लहसुन, 2 चम्मच बारीक चॉप की हुई अदरक और 2 चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची, है ना आसिफ। हाँ, बराबर। चलिए बर्तन को हम साफ करके अच्छी तरह से डालेंगे। ये आप स्टार्टर के तौर पर भी खा सकते,
सकते हैं गाइस, या आप चपाती या नान या पराठे के साथ में भी अगर आप खाएंगे तो अच्छा लगे, हाँ, और तंदूरी रोटी के साथ में भी आप इसे खा सकते हैं। नहीं तो आपने कभी अपने घर में दाल चावल बना लिए तो इस तरह का रेसिपी बनाकर, इस तरह का स्टार्टर बनाकर आप इसे खा सकते हैं। इसलिए स्टार्टर में ही इसका नाम आता है। जब हम नाज होटल जाते थे तो वहाँ पे हम लोग स्टार्टर में ये मंगाते थे। अभी तो काफ़ी दिन हुआ नहीं जा सा पाती हूँ। चलिए अभी इसमें डाल लूँगी 2 चम्मच विनेगर ऐड कर दूँगी। मुझे जजमेंट है इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल रही हूँ। इसी के साथ में मैं डालूँगी 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। ये देखिए थोड़ा सा डाल रही हूँ, हल्का सा, हाँ 1 चम्मच गिर गया डार्क सोया सॉस। इसी के साथ में मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिल्ली सॉस। ग्रीन चिल्ली सॉस डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे ही इसका फ्लेवर आएगा। तो ये मैं 3 चम्मच भर के ग्रीन चिल्ली सॉस डालूंगी। अभी गैस को हमें ये सारी रेसिपी बनाते समय ना गैस गैस को हमें मीडियम पे रखना है। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, हल्का सा कलर चेंज हो जाने के बाद में ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ में मैं इसमें डालूंगी काली मिरी पाउडर 1/4। चाइनीज आइटम में ना गाइस काली मिरी पाउडर पड़ता ही है। नींबू डालना ऑप्शनल है, मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। उसी के साथ में मैं हल्का सा डाल दूंगी अजीनोमोटो नमक, है ना, और ये डाल दूंगी मैं अपना 1/4 में अपना जो अपना नॉर्मल नमक, रेगुलर नमक, हाँ वो नॉर्मल। आप चखे डालना, अगर आप कम खाते हैं तो नमक को कम इस्तेमाल करना, ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा सा बढ़ा देना। ये देखिए ये वाला ग्रीन चिल्ली सॉस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। क्या नाम था सिर्फ उसका? ड्रैगन फायर चटनी। ड्रैगन फायर चटनी गाइस इतनी बेहतरीन चटनी है ना, ये आप इसे ऐसे ही ना रोटी के साथ में भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ ये मार्केट में आई है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। अभी ये मैंने डाली हूँ 2 से 3 चम्मच भर के, है ना। हाँ। अभी ये डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये सारी चटनी इसके अंदर मिक्स हो जानी चाहिए। उसी के साथ में 2 शिमला मिर्ची ली थी मैंने। शिमला मिर्ची का अंदर का पार्ट मैंने निकाल दी और जो उसका जो लंबा लंबा में उसे मैंने कटिंग कर ली। बराबर बोली ना सिर्फ? एकदम लंबे लंबे में मैंने कटिंग कर ली। और वो शिमला मिर्ची डालने के साथ में मैं डायरेक्ट ही इसके अंदर चिकन जो फ्राई करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हाँ सॉरी, हाँ चिकन लॉलीपॉप जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर दूंगी। अभी देखिए गाइस ये जो है, ये जो मेरा जो चिकन फ्राई, चिकन का जो मसाला था ना मेरा थोड़ा बचा हुआ, उसी के अंदर मैंने हरे कलर का फूड कलर ऐड किया, है ना। हाँ। उस वो थोड़ा सा मतलब इस बर्तन में बच गया था तो उसके अंदर मैंने 1/4 हरे कलर का फूड कलर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में आसिफ को, कलर ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड की हूँ। और वो इस थोड़ा सा पानी डाल के उसका गोल बना दिया और वो मैंने इसके लिए ऐड कर दी। आप लोगों के समझ में नहीं आया क्या? समझ में आया रहेगा ना से? हाँ। अभी वो सारी चीज़ें डालने के बाद में मैं इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी एकदम अच्छे से कि हमारी थोड़ी सी शिमला मिर्ची सॉफ्ट हो जाए। अभी इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हनी। हनी अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्का सा 1/4 या 1/2 चम्मच शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मगर आप कितना बना रहे, 1 किलो बना रहे हैं या 1/2 किलो बना रहे हैं, वो हिसाब से आप मसालों को आधा करके सारी चीज़ें डाल देना। 1/2 नींबू का रस मैं इसके ऊपर भी निचोड़ दूंगी। मगर गाइस 1 किलो ही बनाना क्योंकि ये बच्चे और अपनी फैमिली वाले बहुत शौक से खाएंगे, ये बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक अच्छा घोल बना के वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अभी हमें क्या करना, इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी इसके अंदर हमें और कोई चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे मिक्स करना है और 5 मिनट तक का इसे अच्छी तरह से पकाना है। 5 मिनट बाद इसके अंदर थोड़ा सा गरम गरम तेल भी थोड़ा सा 1/2 चम्मच ऐड कर देना और मज़ेदार लगेगा और एकदम टेस्टी लगेगा। गाइस अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो मुझे इसका फ़ोटो ज़रूर भेजना, मैं भी देखना चाहती हूँ आप लोग सेम टू सेम बनाए क्या नहीं। और ज़रूरी नहीं गाइस कि आप इसे चिकन लॉलीपॉप में ही बनाए, अगर आप नॉर्मल चिकन में भी बनाना चाहते हैं ना तो भी आप इसे बना सकते हैं। मैं तो वहाँ पर लॉलीपॉप में खाई थी करके मैं वो आपको वैसा ही बनाना बताई। चलिए देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। और इसके ऊपर हल्का सा नींबू निचोड़ना या नहीं तो सिजवन चटनी के साथ में इसे लगा के खाना,
रोटी के साथ या नान या पराठे या तंदूरी रोटी के साथ में भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर सेमी ग्रेवी होती है और बहुत मज़ेदार होता है। तो गाइस, इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गाइस, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखना और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूंगी, है ना आसिफ। हाँ। और एक बात कहना चाहती हूँ, 25 तारीख को मैं जा रही हूँ अजमेर, है ना। हमारी हाँ। टिकट है, हमारी क्रेन छूटेगी बांद्रा से, है ना। बांद्रा से हाँ। कौन सी क्रेन है हमारी? जेपी स्पेशल। तो चलिए गाइस, मैं इंशाल्लाह अजमेर जाऊंगी तो आप सबके लिए दुआ करूंगी और सारी आवाम के लिए दुआ करूंगी। आप लोग भी मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद करते रहना, है ना। और कैसी लगती है आप लोगों को मेरी रेसिपी मुझे जरूर बताना। और अजमेर का ब्लॉग आपको हाँ अफरोज रेसिपी ब्लॉग पे देखने मिलेगा। तो कंटिन्यू आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहना। तो यहाँ पे मेरा गोलू मोलू खड़ा था, बोला मम्मी मुझे खिलाओ, तो मैंने उसे खिलाई तो उसे भी बहुत ही पसंद आया और मेरे गोलू मोलू ने अपना बाल काट लिया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।